गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वॉइस ठीक आ रही है सभी को? वॉइस ठीक आ रही है क्या? तो ये एसएससी का जो एसएससी जेई का यूट्यूब चैनल है, इसमें फर्स्ट क्लास है मेरी। पहला सेशन है ओपन इंटरेक्टिव सेशन, जीएस रिलेटेड एग्जाम के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इसमें। देखो, जीएस को लेकर जो एग्जाम में सिलेबस लिखा रहता है, इससे पहले एक अनाउंसमेंट वाला पार्ट है वो देखें। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ, यूपीपीएससी एई स्कॉलरशिप टेस्ट 27 तारीख को है 12:30 बजे। गेट इन टच विद योर काउंसलर। स्पेशल क्लास के क्या फीचर्स होते हैं? तो ईएससी एंड गेट कैटेगरी में 5 सब्जेक्ट में डील करता हूँ, एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग एथिक्स, आईसीटी, करंट अफेयर्स, और एक सब्जेक्ट है वहाँ डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी। उसमें सिर्फ सेफ्टी पार्ट, डिज़ाइन ड्राइंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ओनली सेफ्टी पार्ट। और दूसरी कैटेगरी जिसमें क्लासेस ले रहा हूँ मैं, एसएससी जेई एंड स्टेट एई कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जहां मैं क्लासेस ले रहा हूं, एसएससी जेई एंड स्टेट एई। एसएससी जेई एंड स्टेट एई इसमें पढ़ा रहा हूं मैं इंडियन पॉलिटी, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड दोनों, इंडिया वर्ल्ड दोनों। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स। पॉलिटी पढ़ा दिया है, लास्ट ईयर एक बैच शुरू हुआ था यूपीपीएससी एई अदर एग्जाम्स के लिए, लास्ट ईयर एक बैच शुरू हुआ था उसमें वो बैच कंप्लीट कर दिया, और दूसरा बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ था उसमें पॉलिटी, लाइफ साइंस खत्म, हिस्ट्री चल रहा है अभी। हिस्ट्री में एंशिएंट कंप्लीट हो गया, मेडिवल कल कंप्लीट होगा, प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दूसरा बैच शुरू हुआ है, दूसरे बैच में भी तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ। इसमें देखो, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, इस नाम से जब सिलेबस लिखा जाए उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, या तो क्लियर कट सिलेबस लिखा हो, साफ साफ लिखा हो कि भाई ये पूछा जाएगा, और अगर नहीं लिखा, सिर्फ जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस छोड़ के ऐसे बस लिख दिया है जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज के नाम से, तो फिर आपका उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, और किसी किसी एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी है उसमें आईसीटी भी आता है, इतने सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज के।
तो कोई भी पेपर जहां पर जीएस सिलेबस का पार्ट है, वहां हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट एंड आईसीटी, इतने सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जब स्टेट का कोई एग्जाम दोगे तो उसमें स्टेट लोकल जीएस भी आता है। स्टेट का कोई पेपर दोगे तो स्टेट लोकल जीएस भी पूछता है वहां पर। इतने सब्जेक्ट हैं, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस के नाम से लिखा है, तो इतने सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स से, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स। और एजेई वाले पेपर में आपका ये बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री भी आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसके लिए आपको 9th 10th की एनसीईआरटी देख सकते हो। इंजीनियरिंग बेस्ड जो एग्जाम है उसमें जीएस के पोर्शन में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 9th 10th एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर का जो वेटेज होता है, पेपर जब होगा, मान लो ऑफलाइन पेपर है, लास्ट का 1.5 महीने का नहीं पूछेगा, उसके पहले का 1 साल। लास्ट का 1.5 महीने का करंट नहीं पूछता, उसके पहले का 1 साल का। इसमें सेंट्रल एशिया में कौन सा कंट्री है, इसमें कौन सा कंट्री है सेंट्रल एशिया पड़ता है? सेंट्रल एशिया में इनमें कौन कौन है? तुर्की यूरोपियन कंट्री है, लीबिया अफ्रीकन कंट्री है, किर्गिस्तान पड़ता है सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान है सेंट्रल एशिया में। कौन सी डिजीज इसमें वायरस से नहीं होती, इसमें कौन सी डिजीज है जो वायरस से नहीं होती है? वायरस से होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई वायरस, कॉलरा, कॉलरा बैक्टीरिया से होने वाली समस्या है, कॉलरा होता है बैक्टीरिया से। बारदोली सत्याग्रह के प्रोमिनेंट लीडर, बारदोली सत्याग्रह।
वल्लभ भाई पटेल, तियान्हे, टाइटन, मीरा, पिजडेंट, किन चीजों के नाम है ये? ये सभी किन चीजों के नाम है? सुपर कंप्यूटर। इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम फुगाकू। इस समय जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम फुगाकू, जापान का है वो। वाइकिंग टू, पाथफाइंडर और फिनिक्स। स्पेसक्राफ्ट सेंट टुवर्ड्स मार्स, ये सब स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स की तरफ भेजे गए नासा के द्वारा। ऋषि कुल्या एंड गहिर माथा फेमस है क्या चीज के लिए? ऋषि कुल्या एंड गहिर माथा क्या चीज के लिए फेमस है? ऋषि कुल्या एंड गहिर माथा मास एग लेइंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल का। ऑलिव रिडले टर्टल का मास एग लेइंग साइट। इंडिया का पहला न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया जा रहा है? इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ बन रही है? थेनी तमिलनाडु। इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर वार्मिंग में किसका कंट्रीब्यूशन है? कौन कौन इसमें से एटमॉस्फेयर में हीटिंग कराएगा? एटमॉस्फेयर में हीटिंग कराएगा 3 एंड 4। 3 एंड 4। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है? स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ।
महात्मा गांधी, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी गुजराती भाषा में लिखी गई। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विद म्यांमार? कितने राज्य हैं भारत के जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विद म्यांमार? म्यांमार से कितने भारत के राज्य बाउंड्री बनाते हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चार स्टेट। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको। कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको मेजर प्रोड्यूसर गुजरात। किसका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था ये? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक। ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट। इसमें से कौन कौन मीथेन एमिट करेगा और ग्लोबल वार्मिंग कराएगा? मीथेन का एमिशन करेगा और ग्लोबल वार्मिंग कराएगा। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, नेचुरल वेटलैंड, रूमिनेंट एनिमल, तीनों सही है।
प्लांट विद ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन प्लांट विद ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन क्या सही है? प्लांट विद ब्रीदिंग रूट्स प्लांट विद ब्रीदिंग रूट्स मैंग्रोव इसमें कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश बांदीपुर साउथ इंडिया कर्नाटक बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया है बांदीपुर कर्नाटक और मानस नॉर्थ ईस्ट 2 and 3 इंडिया का जो लैंड एरिया है वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? इंडिया का लैंड सरफेस एरिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? इंडिया का लैंड सरफेस एरिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? टू पॉइंट फोर परसेंट। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा दोहा डेवलपमेंट एजेंडा किससे संबंधित है? WTO नेशनल एनिमल 1973 में टाइगर बना था 1973 टाइगर राज्यसभा का सदस्य इलेक्ट होता है कितने समय के लिए? राज्यसभा सदस्य इलेक्ट होता है कितने समय के लिए? 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं जो आया है 6 साल के लिए है पार्शियल इलेक्शन होता है यहाँ पार्शियल इलेक्शन जो आया है 6 साल के लिए
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर टोटल होते हैं, 10 10 ये 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य 15, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन। कौन सा शहर किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? इसमें कौन सा टाउन किस रिवर के किनारे है? टाउन एंड रिवर। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र के किनारे, नागपुर है नाग रिवर के किनारे, और कोटा चंबल के किनारे, तो 1 एंड 3। Which one of the following kind of organism will be the first one to colonize a bare rock? इसमें से कौन सी चीज है जो रॉक्स वगैरह के ऊपर ग्रो कर जाता है? रॉक्स वगैरह पे ग्रो कर जाता है। फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक, लाइकेन। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व कहाँ कहाँ पर है? क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व तीनों जगह, असम, गुजरात, राजस्थान, ऑल थ्री। इसमें से कौन है जो दोनों हाउस की मीटिंग को अटेंड कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, वोट नहीं कर सकता क्योंकि हाउस का मेंबर नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल बीइंग नॉट अ मेंबर? हाउस का सदस्य नहीं है तो भी दोनों हाउस की जो मीटिंग है पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, वोट नहीं कर सकता क्योंकि मेंबर नहीं है।
अटॉर्नी जनरल। अंडर कुक्ड फूड, कच्चा खाना खाने से क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम है जो कच्चा खाना खाने से संबंधित है? टेप वॉर्म। अच्छा, आईएसओ इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। तीस्ता रिवर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तीस्ता फ्लोस थ्रू अरुणाचल, गलत, सिक्किम। तीस्ता रिवर खाली होती है ब्रह्मपुत्रा में, मतलब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। चाइना इंडिया के बाद पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री। चाइना इंडिया के बाद मोस्ट पॉपुलस कंट्री। चाइना इंडिया के बाद है यूएस। सेरिस, होमिया, मेक मेक, एरिस, क्या चीज के नाम है ये? सेरेस, होमिया, मेक मेक, एरिस, किसके नाम है? सेरेस, होमिया, मेक मेक, एरिस। सेरेस, होमिया, मेक मेक, एरिस, सारे के सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं ये। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह। स्पीकर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। स्पीकर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गलत। नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस, ये भी गलत। हाउस के मेंबर में से ही चुना जाता है। रिजाइन करेगा तो किसको रिजाइन करेगा? डिप्टी स्पीकर को। रिजाइन करेगा तो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करेगा। चंडी प्रसाद भट्ट इज ए वेल नोन, क्या चीज के लिए जाने जाते हैं? चंडी प्रसाद भट्ट इज ए वेल नोन।
इन्वायरमेंटलिस्ट, चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा कोरल के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट। मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गोवा एंड कर्नाटका। मेवन मिशन नासा का मिशन है किसके स्टडी करने के लिए? मार्स के लिए। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय यूएस। व्हाट इज डुगोंग? व्हाट इज डुगोंग? मैरीन मैमल, मैरीन मैमल। मैमल वो होते हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड है मिल्क सिक्रेशन के लिए, मिल्क सिक्रेट करने के लिए जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड मौजूद है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स और मीनामाटा कन्वेंशन, क्या स्टेटमेंट सही है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एमिट मरकरी इनटू द एनवायरनमेंट, ट्रू। मीनामाटा कन्वेंशन फेज आउट यूज ऑफ मरकरी इन मरकरी प्रोडक्ट, दोनों बातें सही है। एचएफसी के बारे में क्या सही है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एच एफ सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अल्टरनेटिव है ओजोन डिस्ट्रॉइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एच एफ सी अल्टरनेटिव है सी एफ सी का, ट्रू। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कोई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं है, गलत। ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है इसका। ज्यादातर ओजोन कंसंट्रेटेड है कहां पर?
ज्यादातर ओजोन कंसेंट्रेटेड है स्ट्रेटोस्फेयर में। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कहाँ स्थित है? बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कहाँ पर है? दुनिया का पहला और सबसे बड़ा स्पेस लॉन्च फैसिलिटी। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा स्पेस लॉन्च फैसिलिटी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने इसको लीज पे दिया रशिया को। पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था ये सारा, ये सब पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। स्प्लिट होने के बाद कजाकिस्तान ने रशिया को लीज पे दिया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें कौन कौन है? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म किसमें किसमें पाए जाते हैं? एल्गी में कुछ होते हैं सिंगल सेल, फंगस में ईस्ट जो है ये सिंगल सेल है। एल्गी में कुछ होते हैं सिंगल सेल, फंगस में ईस्ट सिंगल सेल होता है, प्रोटोजोआ सभी सिंगल सेल होते हैं। तो सिंगल सेल वाले तीनों में है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसकी शुरुआत किस घटना से हुई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत किस घटना से हुई? डांडी मार्च से शुरू हुआ था ये। आजाद हिंद फौज किस समय बनी है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। गलत, मनी बिल हमेशा लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफ्यूज हिज एसेंट टू ए मनी बिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना कर सकता है मनी बिल को? गलत, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिक्स जो है पांच देशों का ग्रुप, एस स्टैंड्स फॉर, 2010 में शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, 2010 में शामिल हुआ है साउथ अफ्रीका। एप कौन सा है, इसमें कौन सा एप है जो इंडिया में है? चार ग्रेट एप, ह्यूमन का ओरिजिन जहां से माना जाता है, चार ग्रेट एप। मंकी से एप अलग होता है, मंकी में टेल होगी, एप में टेल नहीं होती, माथा जो होता है चौड़ा होता है, और ज्यादातर टाइम एप जो है जमीन पे बिताते हैं। तो चार ग्रेट एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, ओरंगुटान, ये चार ग्रेट एप हैं, इक्वेटर पे पाए जाते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो अफ्रीका में इक्वेटर पे है, और ओरंगुटान है इंडोनेशिया में, ब्राउन कलर का दिखता है ओरंगुटान। तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो अफ्रीका इक्वेटर पे हैं, और ओरंगुटान इंडोनेशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में इक्वेटर पे है। हुलक गिबन असम में है, इसमें छोटी सी पूंछ होती है, तो ये ग्रेट एप में तो नहीं आता, पर ये लेसर एप बोलते हैं इसको। ग्रेट एप में तो नहीं है, पर इसको लेसर एप कहा जाता है, लेसर एप। ग्रेट एप में नहीं है, पर लेसर एप है। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।